दोस्तों इमेजिन करो कि तुम्हारी अभी करेंट हाइट 5 फुट है और रातों रात कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि जिससे तुम्हारी हाइट सीधी 1 फुट बढ़ जाए और रातों रात तुम 6 फुट के हो जाओ, तो सबसे पहले तुम्हारा सुबह उठ के क्या रिएक्शन होगा ये मुझे कमेंट में बताना। पर वैसे तुम्हें क्या लगता है, 6 फुट लंबे होने के बाद तुम लंबे दिखोगे? 4 में खड़े होके तुम अलग ही दिखाई दोगे? तो इसका सीधा आंसर है नो, तुम लंबे होकर भी लंबे नहीं दिखोगे। सो लेट्स बिगिन। ओके, तो एक बात बताओ, बेसिकली तुम्हारी हाइट किन किन बॉडी पार्ट्स पे डिपेंड करती है? एक तो तुम्हारी गर्दन, दूसरा तुम्हारी शोल्डर, तीसरा तुम्हारी बैकबोन और चौथा तुम्हारे लेग्स। पर अगर मैं तुमसे ये कहूँ, जैसे कछुआ कोई भी खतरे को देखते हुए अपने आप को छुपा लेता है, ठीक वैसे ही तुम भी अपनी ऑलरेडी बढ़ी हुई हाइट को छुपा कर ही घूमते रहते हो। जैसे कि मैंने तुम्हें अभी ये बताया कि हमारी हाइट डिपेंड करती है स्पाइन, जिसे तुम झुका लेते हो, शोल्डर, जिसको तुम लटका लेते हो, अपनी गर्दन को तुम आगे निकाल लेते हो। इस बैक पोस्चर की वजह से ही तुम अपनी ऑलरेडी बढ़ी हुई हाइट को 2.5 से 3 इंच तक खुद ही छुपा लेते हो। हाँ मैं मानता हूँ कि तुम्हारी हाइट 6 फीट है, चलो 5.5 फुट ही समझो, पर क्या तुम बाहर असल में 6 फुट के लगते भी हो? लटके हुए कंधे, झुकी हुई स्पाइन की वजह से तुम लंबे होकर भी लंबे दिखाई नहीं देते हो। तो ये सारी कहानी का सुनाने का मेरा मोटिव यही था कि तुम सिर्फ अपनी हाइट बढ़ाने पर ही ध्यान मत दो, वह तो धीरे धीरे बढ़ ही जाएगी, बल्कि उससे ज्यादा तुम अपनी बॉडी पोस्चर, अपनी बॉडी की पोजीशन पे ध्यान दो। ध्यान दो कि तुम कैसे बैठे रहते हो, कैसे खड़े रहते हो, कैसे चलते हो, कैसे सोते हो। अपने उठने बैठने चलने फिरने पर ध्यान दो कि तुम सीधे चल भी रहे हो या झुककर ही चल रहे हो। अगर तुम्हारी हाइट थोड़ी भी कम है ना, बट पोस्चर तुम्हारा ठीक है, तो तुम औरों के मुकाबले कॉन्फिडेंट और स्ट्रांग लगोगे। बट वही तुम्हारी हाइट है 6 फीट पर तुम ऐसे लटके लटके से मरियल टाइप से रहते हो, तो ब्रो ऐसी हाइट का कोई फायदा नहीं। तुम थके थके से, सुस्त, जिंदगी से हारे हुए, लो कॉन्फिडेंट लगोगे, चाहे तुम 6 फीट के ही हो या 5 फीट के हो। बट बैक पोस्चर तुम्हारी ओवरऑल पर्सनालिटी के साथ साथ तुम्हारी ओवरऑल बॉडी पर भी नेगेटिव इफेक्ट डालता है। तो अब सिर्फ सीना तान के, सर उठा के, फुल कॉन्फिडेंस से चला करो और बैठा करो। अब इतनी मोटिवेशन मिलने के बाद आई थिंक कि अब तुम इस वीडियो को सीधे बैठकर ही देख रहे हो, पर कब तक? ये वीडियो खत्म होते ही 10-15 मिनट तक ही सीधे बैठे रहोगे और फिर एंग वापस से अपनी वही पोजीशन पे आ जाओगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या सिर्फ एक्सरसाइज करने से तुम्हारा पोस्चर ठीक हो जाएगा? नो, एक्सरसाइज करने के साथ साथ तुम्हें अपनी डेली रूटीन में भी कुछ चेंजेस लाने होंगे और अपनी हैबिट को भी बदलना होगा। दोस्तों जब भी तुम खाना खाने बैठो तो आराम से आलती पालती मार कर जमीन पर बैठो और खाओ, ऐसे नहीं कि पलंग पर पड़े हुए, टीवी चल रहा है, आधे लेटे आधे बैठे और बस खाए जा रहे हैं। स्ट्रेस फ्री रहा करो। तुम खुद भी गौर करना, जब तुम टेंशन में रहते हो तो वैसे ही तुम्हारा मूड ऑफ रहता है, तो तुम कैसे भी बैठने लग जाते हो। इसलिए टेंशन फ्री और हमेशा एनर्जेटिक रहा करो। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं बताता हूँ। अपनी बॉडी में कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी होने मत दो, एक हेल्दी डाइट फॉलो करो। और अगर तुम्हारा वजन थोड़ा बहुत भी ज्यादा है, अगर तुम थोड़े बहुत भी ओवरवेट हो, तो उसे थोड़ा कम कर लो। और तुम चाहो तो एक पोस्चर कैरेक्टर बेल्ट भी खरीद सकते हो, पर ध्यान रखना कि इसे सिर्फ 1-1.5 घंटे ही पहनना, कहीं पूरे दिन पहनकर बैठे मत रहना। अपने ऊपर ज्यादा हैवी वेट बैग वगैरह लेकर मत घुमा करो और 7-8 घंटे प्रॉपर तरीके से सोया करो। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, तुम्हें डेली अपने पोस्चर को इम्प्रूव करने वाली एक्सरसाइज को करना है। और वह कौन कौन सी एक्सरसाइज है ये आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं तुमको बताऊंगा। तो दोस्तों अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। और इसके अलावा हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल फिटनेस सीक्रेट को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।